हम तैयार है के एक और भाग में आपका स्वागत है, जहां भारतीय हॉकी टीम जो 2018 विश्व कप के लिए तैयारी कर रही है भुवनेश्वर शहर में, वहां उन खिलाड़ियों से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ है भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान चिंगलसेना सिंह। चिंगलसेना, स्वागत है आपका दूरदर्शन में। कैसे देखते हैं आप 2018 के इस चैलेंज को, भारत में मेज़बानी करते हुए भारत विश्व कप में? काफ़ी अच्छा है जो अपना देश में हो रहा है, और काफ़ी प्रैक्टिस हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में भी हम लोग काफ़ी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा था, अभी बहुत हार्ड वर्क है हम लोग जो तैयार है फुल, क्योंकि हम लोग का क्राउड हम लोग के साथ सपोर्ट हमेशा करता था भुवनेश्वर में। काफ़ी तैयार है हम लोग, रेडी है। चिंगलसेना, कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब आप वाइस कैप्टन है भारतीय टीम के, तो चैलेंज कितना होता है वाइस कैप्टन के रूप में कैप्टन को सपोर्ट करना इस इम्पोर्टेंट विश्व कप में? इसमें तो सभी टीम चैलेंज है, क्योंकि वर्ल्ड कप बेस्ट टीम आ रहा है इधर वर्ल्ड कप में, क्योंकि हम लोग जो भी अच्छा करेंगे वही जीतेंगे, जो प्रैक्टिस में हो चाहे मैच में हो, हम लोग 100% फोकस करेंगे वही जीतेंगे। चिंगलसेना, भारतीय टीम का दो प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, एक है पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन, दूसरा है लास्ट मिनट में गोल गंवाना। पहले बात करते हैं पेनल्टी कॉर्नर्स की, कैसे टैकल करते हैं पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन रेट जो भारत का काफ़ी कम है, इस विश्व कप में हमने क्या तैयारी की है कि उसको ओवरकम कर सके? काफ़ी अभी तैयारी चल रहा है हम लोग पेनल्टी कॉर्नर और फिनिशिंग का, ग्राउंड में भी और जो प्रैक्टिस कर रहा है कोच साहब हमेशा उसी का ज़्यादा काम करता है। जो प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद पीसीबी अटैकिंग कैसे करना है, डिफेंसिव कैसे करना है और कैसे हम लोग एवल कर सकता है उसकी साथ काफ़ी चल रहा है अभी। चिंगलसेना, आप कैसे देखते हैं इस बार हमारे पास तीन रैक फ्लिकर्स है, हरमनप्रीत है, अमित है और वरुण है, आप कैसे देखते हैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन और क्या इनमें वो मादा है? आपने बहुत खिलाड़ियों को देखा है जो ड्रैक फ्लिकर्स रहे हैं, संदीप सिंह को देखा है, तो आप कैसे देखते हैं इन तीनों खिलाड़ियों को और इन तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? तीनों काफ़ी हार्ड वर्क प्लेयर है, जो वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाई डे, मेरे ख्याल से वो लोग जरूर मारेंगे इस बार, परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी। चिंगलसेना, एक और प्रॉब्लम भारतीय हॉकी के साथ हमेशा से रहा है जो गोल्स हम कंसीड करते हैं लास्ट मिनट में, जिसे कहते हैं ना, मतलब हम यहाँ मैच देख रहे हैं 60 सेकंड बचाए और भारतीय टीम गोल खाती है, मतलब इस बार वो जो शॉर्टकमिंग है या फिर वो जो ड्रॉबैक है भारतीय टीम के साथ, उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे इस विश्व कप में? उसमें हम लोग पहले तो हम लोग स्विच ऑफ नहीं होना है, क्योंकि फास्ट मिनट से लास्ट मिनट तक हम लोग 100% जो जब भी डिफेंस कर सकता है हम लोग करना है, इजीली नहीं होना है, कई एक सेकेंड भी इजी हो गया ओपोनेंट फ़ायदा उठाएंगे। ये वर्ल्ड कप में तो हम लोग फास्ट मिनट टू 60 मिनट तक हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहना है अपने आप से। चिंगलसेना, ये एक पहला वर्ल्ड कप है जिसमें चार क्वार्टर्स में मुकाबले होंगे, मतलब 15-15 मिनट्स के चार क्वार्टर्स, आपको लगता है इससे एशियन टीम्स या फिर एशियन हॉकी को फ़ायदा होगा कंपेयर टू यूरोपियंस? नहीं, कई साल से चल रहा था चार क्वार्टर, तो इसके लिए तो सभी टीम के लिए कुछ वो नहीं है, सभी खेल रहा है इतना साल से, एक साल दो साल हो गया ऐसे चार क्वार्टर वाला, कोई डिफिकल्ट नहीं है। भारतीय टीम का उपकप्तान होना चिंगलसेना कितना बड़ा चैलेंज है? मैं कहूँगा आप जिस पोजीशन पे खेलते हैं, सरदारा सिंह की पोजीशन पे आप हैं, मतलब आप के हाथ में बहुत कुछ है इस टीम को संभालने के लिए, तो आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं मैदान में जब उतरते हैं? चैलेंज तो खाली हम लोग के लिए नहीं है, जब जो भी जितना प्लेयर सेलेक्शन हुआ सभी का चैलेंज है, क्योंकि बहुत दिन की बात, एक मेडल भी नहीं था 1977 की बात, अभी हम लोग चाहिए एक मेडल चाहिए ज़रूर, उसके लिए हम लोग फुल फोकस है। सेंट्रल जो मिडफील्डर है या फिर जिसे कहता है जो कंट्रोल करता है पूरे गेम को, आप एक गेम के न्यूक्लियस है, तो आप कैसे अपने आप को पोजीशन करते हैं या फिर क्या कुछ होता है, क्योंकि आप नर्व सेंटर है जिसपे अटैक बिल्ड होता है या फिर डिफेंस में भी आप कंट्रोल करते हैं, तो आपको लगता है कि एक चैलेंजिंग जॉब है और आपके पास कमान होती है पूरी टीम की भागदौड़ संभालने की? हाँ जी, मिडफील्डर ऐसे एक पोजीशन है, क्योंकि अटैक में भी ज्वाइन करना है और डिफेंस में भी हेल्प करना है और डिफेंस से भी बॉल लेना है, बहुत ज़रूरी पोजीशन है, क्योंकि हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं और डिफेंडर से कैसे बॉल लेना है और आगे कैसे खेलना है, वही पहले हम लोग प्री स्कैनिंग वगैरह देख के हम लोग कैसे खेल सकते हैं, ओपोनेंट का टीम का कैसे खेलता है वो उसके पोजीशन देख के हम लोग खेलते हैं। आप क्योंकि सेंट्रल मिडफील्डर खेल रहे हो तो बहुत ताकत या फिर बहुत एनर्जी चाहिए अप एंड डाउन करने के लिए, मतलब कोई युवा खिलाड़ी जो इस कार्यक्रम को देखता है, आप उसे क्या एडवाइस देंगे अगर वो सेंट्रल मिडफील्डर या फिर उस पोजीशन में खेलना चाहता है, तो क्या कुछ टिप्स देंगे उसके लिए कि
वो आगे चलकर इस पोजीशन में या फिर आपके लिए एक चैलेंज बन सकेगा? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं है, मिडफील्डर ही भागना ऐसे कुछ नहीं है अभी, सभी भागना पड़ता है, फॉरवर्ड वगैरह, मिडफील्डर, डिफेंडर, क्योंकि कई टाइम पे तो हम लोग से ज़्यादा डिफेंडर लोग भागता है, अभी तो सब भागना पड़ता है, क्योंकि अभी का हॉकी बहुत चेंजेस है, पहले से देख लिया तो सभी को भागना पड़ता है अभी। आप टीम के उप कप्तान हैं और इस पूल को जब हम देखते हैं, पूल सी में जब भारत है, आप कैसे देखते हैं वो जो तीन चैलेंजर्स आपके सामने हैं, बेल्जियम, कनाडा, साउथ अफ्रीका, आप तीनों को एक बराबर देखते हैं या आप सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं? नहीं, मेरे को सब एक बराबर देखते हैं, क्योंकि हम लोग गेम बाई गेम फोकस करना है ये टूर्नामेंट पे, पहले से हम लोग गोल्ड मेडल लेंगे ऐसे नहीं जाना है, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट हम लोग जीतेंगे, उसके बाद हम लोग आने वाला उसका हम लोग देखेंगे। भारतीय टीम का उपकप्तान होना और बेल्जियम का रैंकिंग भारत से अच्छा होना, क्या कोई एडिड प्रेशर होता है जब बेल्जियम के साथ आप सेकंड मुकाबला दिसंबर 2 को खेलेंगे, या फिर आप सोचते हैं नहीं, हर टीम हमारे, हम 11 है वो 11 है, 60 मिनट का खेले हम खेले वो खेले, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा? वही मैं बोल रहा था, पहले से भी बोल दिया था, जो भी अच्छा खेलेंगे इसमें वही जीतेंगे, क्योंकि इसमें रैंकिंग का कुछ मतलब नहीं है, रैंकिंग मतलब जो हम लोग से आगे है हम लोग डरना नहीं चाहिए, हम लोग जैसे नॉर्मल गेम खेला था ऐसे ही खेलना चाहिए। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में क्रॉसओवर मुकाबला यानी दूसरा और तीसरे स्थान पर जो टीम आती है वो क्रॉसओवर खेल के फिर आपके ग्रुप के विनर से खेलती है, ऐसे में जो भी ग्रुप विनर होगा उसे एक बार फिर, या आप ग्रुप विनर रहे तो बेल्जियम को आपको फिर खेलना पड़ सकता है, या बेल्जियम ग्रुप विनर है तो आपको फिर खेलने का मौका मिल सकता है, तो आपको लगता है कि ये जो फॉर्मेट है इस टूर्नामेंट का वो ओपन है काफ़ी और हर टीम को फेवर करता है? हाँ, काफ़ी चांसेस भी मिलता है कई टीम लोग का, जो सेकेंड ग्रुप में सेकेंड पोजीशन आता है उसका भी एक चांस और मिल जाता है, और हम लोग ऐसे ही नहीं देखता है, क्योंकि मेरे पहले भी बोल दिया था गेम बाय गेम हम लोग का वही फोकस करना है, जब बाद में कौन सा आएगा वो हमें नहीं देखता है। चिंगले, एक अलग एंगल पे चलते हैं, अगर आप क्रॉसओवर वाले फेस में आते हैं तो दूसरे ग्रुप डी से जो क्रॉसओवर में टीम हो सकता है वो पाकिस्तान निकला, तो ऐसे में भारत पाकिस्तान मुकाबला इस मैदान में होगा, इसमें हमारी अच्छी यादें नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलते हुए, तो उस मुकाबले को आप कैसे देंगे? अनदर मैच, अनदर हर्डल टू क्रॉस ओवर, और इज इट अ रिवेंज मैच फॉर चिंगलसेना? क्योंकि काफ़ी साल से पाकिस्तान के साथ खेल रहा था, जो भी पाकिस्तान के साथ खेलता है हम लोग खेलने के लिए और भी मज़ा आता है, और काफ़ी क्राउड भी हमेशा पैक हो जाता है, खेलने के लिए एक और है मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए हमेशा मज़ा आता था, क्योंकि हार जीत तो होता ही रहता है, सबसे ज़रूरी तो खेलना है। एक और बात होती है, भारत पाकिस्तान मुकाबला होता है तो कहते हैं स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ होश और जोश का तालमेल से ही बिठाना है, कि आप मानते हैं इसे कि आप कहते हैं नहीं जी कोई भी टीम हो स्ट्रेटजी की ज़रूरत? नहीं, कई हम लोग का तो इंडियन टीम का तो हमेशा स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि जो हम लोग कोच बताता है कैसे खेलना है, वो लोग की ओपोनेंट के साथ कैसे खेलना है, जब पाकिस्तान ऐसे खेला है तो हम लोग कैसे पोजीशन पे खेलना है, कैसे कर सकता है हम लोग, कैसे इजीली हम लोग निकाल सकता है, खाली मिडफील्डर के लिए हम लोग कैसे बॉल निकाल सकता है, और स्ट्राइकर को कैसे बॉल देना है, वही हम लोग प्रिपरेशन करता है, पहले मैच से पहले मीटिंग करके डिस्कस कर लेता है कोच के साथ। अगर आपके टीम में आप सपोर्ट स्टाफ को देखें, एक ऑस्ट्रेलियन है जो 5 बार चैंपियंस ट्रॉफी, 3 बार विश्व कप जीत चुका है, उसके टीम में आने से या फिर वो एनालिटिक्स जो सपोर्ट आपको मिलता है, वो पेनल्टी कॉर्नर में भी आप लोग की टीम को मदद करता है, आप कैसे देखते हो उनका आना? ज़्यादा समय नहीं हुआ लेकिन उनके आने से आपकी टीम को कितना फ़र्क पड़ गया क्रिस के? काफ़ी सही हुआ हम लोग के लिए, जो पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट है क्रिस सरेलो, हमेशा ग्राउंड पे बताता था, और हम लोग का जो भी मिडफील्डर में और स्ट्राइकर में कहीं मिस्टेक होता था वो आके बताता था कैसे करना है, हरिंदर कोच साहब और क्रिस सरेलो दोनों बताता था कैसे कर सकता है हम लोग, तुम्हारा वो रिसीविंग वो नहीं अच्छा नहीं है, वो क्या कैसे कर सकता है और कैसे बेहतर कर सकता है, वही हमेशा हम लोग के लिए सपोर्ट करता था। एक और बात चिंगल, तुम बहुत सारे कोचेस के साथ खेल रहे हो जो फॉरेन के रहे हैं, और अब हमारे पास विश्व कप में एक भारतीय कोच है हरिंदर के रूप में, आपको लगता है कितना फ़ायदा होता है हरिंदर का इस टीम को संभालते हुए, क्या प्लस पॉइंट होंगे एक भारतीय टीम भारतीय खिलाड़ियों को विश्व कप में संभालेंगे? काफ़ी सही है, अपना देश का कोच हम लोग को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है, कुछ ही है, क्योंकि पहले तो हम लोग कई लोग लैंग्वेज का प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता था, अभी तो सीधा जाके बात कर सकता था हिंदी में, सीधा जाके बात कर सकता था। आप जहाँ से आते हैं मणिपुर, वहाँ फुटबॉल एक क्रेज़ है, तो आपने मतलब समझना चाहूँगा पहले हॉकी क्यों चुना,
क्योंकि फुटबॉल वहाँ का नंबर वन स्पोर्ट है और मणिपुर में फुटबॉल अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज़्यादा फुटबॉल के प्रति रुचि, तो आपने हॉकी क्यों चुना? क्योंकि मेरा गांव में ज़्यादा हॉकी खेलता था, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल प्लेयर है मेरे गांव से, एक्स बोर्जन सिंह, लड़की लोग में चंचल देवी, संगाई देवी, रंजिता देवी, सभी मेरे गांव से है, क्योंकि मेरे गांव में हॉकी ज़्यादा चलता था। उसके पहले मैं बचपन में फुटबॉल खेलता था, उसके बाद मेरा गाँव में तो हॉकी चलता था, उसके हॉकी में फोकस कर लिया। लेकिन कभी किसी ने कहा नहीं, मतलब किसी कोच ने कहा नहीं, तुम्हारी जो बॉडी, तुम्हारी जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल को ज़्यादा सूट करती, हॉकी को नहीं? तो मन में कभी विचार आया कि नहीं यार, मेरे को कहीं गलत गेम तो नहीं चुना? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। कई बार बोलता है तू फुटबॉल क्यों नहीं खेला, हॉकी क्यों ऐसे खेल गया? मैं बोला मैं हॉकी दिल से चाहता हूँ खेलना, उसके लिए हॉकी चूज़ किया, और फुटबॉल भी कई बार खेलता है गाँव में जाने के बाद, कई दोस्त लोग के साथ मिलके कभी कभी खेलता है फुटबॉल भी। चिंगल, कहीं माइंड में ये बात तो नहीं आई कि मतलब अगर हॉकी खेले तो हम ओलंपिक खेल सकते हैं, लेकिन अगर कभी फुटबॉल खेले तो हम कभी ओलंपिक में नहीं पहुंचेंगे, यार फुटबॉल में हम कोई विश्व कप खेल ही नहीं पाएंगे, लेकिन हॉकी एक आसान रास्ता है जहां हम विश्व कप खेल सकते हैं, ये माइंड में कहीं बात आई है? नहीं नहीं, माइंड पे कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि वो लोग भी फुटबॉल लोग भी हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी, वो लोग भी एक दिन तो खेलना चाहता है, हम लोग भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग खेला ओलंपिक, ऐसे कुछ नहीं है। चिंगल, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को देखें, मतलब आपने जहाँ से शुरुआत किया मणिपुर के गांव से और आज आप जहाँ हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को? पहले तो जब मैं बचपन में हॉकी चालू किया था, जो मेरा गांव का एक वही नाम लिया था बुरजन भाई, उसी ने काफ़ी मेरे हेल्प किया था, जब स्टिक हॉकी जब इवन पासपोर्ट बनाने में भी उसी ने काफ़ी हेल्प मिला था, उसी की वजह से मैं आज तक इधर ही हूँ। लेकिन आप इस सफ़र को देखें तो आपको लगता है कि मैंने मुकाम बहुत हासिल किए, या मेरे पास और बहुत सारे टारगेट्स हैं, या ज़िंदगी में बहुत कुछ हॉकी से मुझे अभी पाना है? टारगेट तो बहुत कुछ है, ये अभी वर्ल्ड कप का टारगेट है, मेडल लेना चाहता हूँ सबसे पहले, और जब भी आ रहा है उसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना है और मेडल लेना है ओलंपिक में। लेकिन यू नो, हॉकी वर्ल्ड कप कोई खिलाड़ी खेलता है तो ऑटोमेटिकली एक स्टार हो जाता है खिलाड़ी, लेकिन अगर वो जीतता है तो लेजेंड बनता है, तो आप ये स्टार से लेजेंड के सफ़र के लिए भारतीय हॉकी टीम और आप तैयार हैं? या हम तैयार हैं। अच्छा, चलते चलते एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो भुवनेश्वर है, आप यहाँ जब टीम बस से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं पूरे रास्ते में सब जगह यू नो पोस्टर्स लगे, यही नहीं पूरे दीवारों में सब जगह पेंटिंग हुई है, म्यूरल्स हुआ है हॉकी को लेकर, तो कैसा लगता है, मतलब हॉकी इतना आकर्षण का केंद्र है, या फिर उड़ीसा में हॉकी का इतना एक तरह से जिसे कहते हैं ना फॉलोइंग है, तो आपको कैसा लगता है एज ए हॉकी प्लेयर? क्योंकि जो भी इधर खेलता है उड़ीसा में, जो हॉकी इंडिया लीग हो और कहीं टूर्नामेंट हो, हमेशा सपोर्ट मिल जाता है, और हॉकी का बहुत क्रेज़ है उड़ीसा में, मेरे ख्याल से जो भी जितना इंडिया में क्रेज़ है भुवनेश्वर से ज़्यादा और कोई हो नहीं सकता। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल, हर खिलाड़ी एक माइलस्टोन लेके चलता है किसी भी टूर्नामेंट में, जाता है इंडिविजुअल स्पोर्ट हो या फिर टीम स्पोर्ट हो। टीम का हमने समझ लिया कि टीम का गोल है भाई गोल्ड जीतना, आपका इंडिविजुअली पहले बोल दिया था गोल चाहता हूँ, फिर गोल के लिए हम लोग करना चाहिए गेम बाय गेम, हम लोग फोकस करना चाहिए। एक आखिर में, हर खिलाड़ी एक आइडल मानता है, ये मेरा आइडल है, ये मेरा आइडल है, आज चिंगलसेना का आइडल कौन है? मेरा आइडल जिमी डायर, ऑस्ट्रेलियन। या जिमी डायर। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करेंगे कि आप जो मिडफील्डर है जिसे कहते हैं नर्व सेंटर हॉकी में, कमाल करें भारतीय हॉकी के लिए और हम खिताब को जीत पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय टीम के उपकप्तान, जो उम्मीद है, उन्हें विश्वास है कि टीम अच्छा करेगी इस विश्व कप में और भारत ये खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक है। हमारे साथ है भारतीय रक्षा पंक्ति की जान कोटालजीत सिंह, हमारे साथ स्वागत है कोटालजीत आपका दूरदर्शन पर। थैंक यू कोटाजीत, कैसे देखते हैं आप तैयारियां 2018 विश्व कप को लेकर और भारतीय टीम के चांसेस इस प्रतियोगिता में? तैयारी तो काफ़ी मतलब डिटेल्स पे काम कर रहे हैं, या पीसी हो या सेट पीस हो, अटैकिंग, मतलब हम लोग का जो स्ट्रक्चर या
हम लोगों का स्टाइल जो है अटैकिंग हॉकी है, तो वो अटैकिंग हॉकी और फास्ट हॉकी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोटा जी, अगर आप देखें तो आप कैसे देखते हैं इस प्रतियोगिता को? इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हैं, तो आपको लगता है कि टूर्नामेंट और खुल गया है और 16 में से 16 ही टीमें टाइटल के दावेदार हैं? हाँ, क्योंकि आजकल को हॉकी में कोई भी टीम जीत सकता है, क्योंकि जैसे क्वार्टर वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम आया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल वाला सिस्टम आया, चार क्वार्टर वाला सिस्टम आया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल का सिस्टम आया, मतलब सभी टीम बराबर है। और जैसे ओलंपिक्स में भी सब जीतने के लिए आया था, और जैसे हम लोग ने अर्जेंटीना को भी हराया था, फिर किसी ने सोचा नहीं होगा मतलब अर्जेंटीना भी ओलंपिक जीत सकता है, तो कोई भी टीम जीत सकता है फाइनल। आपने कहा ये पहला विश्व कप है जिसमें चार क्वार्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, मतलब हर क्वार्टर एक रोमांचक हो जाता है, तो ऐसे में आपको लगता है एशियन हॉकी को या फिर एशियन टीम्स को फेवर करता है एक हॉकी का मुकाबला चार क्वार्टर्स में बटना? हाँ, क्योंकि एशियन टीम के लिए अच्छा चीज़ है, क्योंकि हर क्वार्टर में कोच के साथ और स्टाफ के साथ डिस्कस करने को मौका मिलता है और रिकवरी का टाइम भी ज़्यादा मिलता है इसमें, तो ये एशियन टीम के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम आपके पूल की बात करें, आप अपने पूल को कैसे देखते हैं? आपके पूल में बेल्जियम है जो आपसे बेटर रैंक टीम है, और आपके पास कनाडा है और दक्षिण अफ्रीका, आप इस पूल को और अपने ग्रुप को कैसे देखते हैं? जैसे कोई भी टीम मेरे ख्याल से ईजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हर मैच मतलब फाइनल सोच के जाना चाहिए, एक एक मैच ले कर ना तो जाना चाहिए, तो हम लोग को बस मैच बाई मैच इम्प्रूव करना और हर एक मैच को फाइनल की तरह खेलना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि अच्छा होगा। इस प्रतियोगिता में एक और फीचर है, क्रॉस ओवर होगा अगर आप सेकेंड या थर्ड फिनिश करते हैं और दूसरी ग्रुप की टीमों से आप मिलेंगे बिफोर क्वार्टर फाइनल। आपको क्या लगता है इससे कि अगर एक खराब दिन टूर्नामेंट के शुरुआत में हुआ तो आपको रिकवरी का मौका मिलता है प्रतियोगिता में? बड़ा अच्छा देखते हैं आप इस विंडो को कि आपको क्रॉस ओवर खेलने को मिलता है? हाँ, ठीक है, क्योंकि क्रॉस में जितना जीतते रहो इतना ही उतना फ़ायदा है मेरे ख्याल से, तो मैंने बोला भी है मतलब एक मैच फाइनल की तरह खेलना चाहिए, जितना टॉप रहेगा हम लोग मतलब इजी टीम से मिलेगा। कोटा जी, दो प्रॉब्लम भारतीय हॉकी के साथ हमेशा रही, एक है पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन, इस बार उस वीक एरिया को कैसे हम रिकवर करेंगे और वहाँ क्या कुछ नया किया गया है? अभी हम लोग प्रैक्टिस में भी वही मतलब पीसी में भी काम कर रहा है, तो मतलब एक एक चीज़ में डिटेल्स पे काम कर रहा है, तो आई होप मतलब ये वाला टूर्नामेंट पे पहले से और सक्सेसफुल हो। कोटा, आप टीम के एक इम्पॉर्टेंट या फिर सीनियर मेंबर है, तो ऐसे में डिफेंस को संभालना एक तरह से मैं कहूँगा आपके कंधे पे आ जाता है इस डिफेंस को संभालना, आप इसे प्रेशर मानते हैं या आप इसे कंफर्टेबल सिचुएशन मानते हैं कि यार मैं डिफेंस संभाल रहा हूँ भारतीय हॉकी का? नहीं, मेरे को प्रेशर नहीं मानता, क्योंकि हाँ सीनियर तो 2012 से टीम में हूँ, तो हाँ सीनियर में आ गया हम लोग भी अभी, लेकिन जितने भी अभी यंग प्लेयर है हम मतलब सभी अच्छा प्लेयर है, तो ये नहीं है ग्राउंड पे कोई सीनियर है जूनियर है, सभी लीड कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है जूनियर लोग भी लीड करके खेल रहे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि बस सभी ने अपना अपना गेम खेलना है और अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो प्रेशर की कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। कोटा, अगर बात करें इस साल एक एशियन गेम्स में हमारा प्रदर्शन था जब 2 मिनट हमने खराब खेला और हमारा मेडल गोल्ड से ब्रॉन्ज में बदल गया, वहीं दूसरी तरफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बिल्कुल ही हट के अलग प्रदर्शन किया, तो आप एशियन गेम्स को कैसे याद करते हैं? आप उसमें से कुछ सीखते हैं या फिर आप उसे भूल जाते हैं? आप सोचते हैं हमने यहाँ अच्छा भी खेला है तो इसको देख के आगे बढ़ते हैं इस बड़ी प्रतियोगिता में? एशियन गेम्स पे मेरे ख्याल से हम लोग ने सभी मैच में अच्छा खेला, लेकिन सेमीफाइनल में कई जगह पे हम लोग मतलब स्विच ऑफ था और वो जगह पे मतलब चेंज काफ़ी हम लोग ने वीडियो एनालाइज किया, तो वही जगह पे भी मतलब काफ़ी काम कर रहे हैं। कोटा जी, तो अगर आज आप विश्व कप खेलने की तैयारी में, आपको लगता है कि मतलब आप मणिपुर से आते हैं, आपको लगता है कि मैं कोई और गेम खेल लेता, हॉकी खेला, और क्या वजह थी कि आप कोई और गेम छोड़ के हॉकी खेले? क्योंकि हम लोग का फैमिली पे और हम लोग का जगह सभी हॉकी ही खेलता था मणिपुर में, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से फुटबॉल ही सभी खेलते, तो मैं भी फुटबॉल ही खेलता था, तो मेरे भाई लोग हॉकी ही खेलते हैं, हम लोग का जगह और मेरा फैमिली सब मेरा
मेरे ऊपर तीन भाई है वो भी हॉकी खेलते, तो मैं भी बचपन से ही हॉकी खेलता था। और मेरे पापा भी पूछता था तू हॉकी खेलेगा या फुटबॉल, ऐसे ही बचपन में मैंने दोनों खेलेगा बोला, लेकिन प्रोफेशन में एक तो चुनना पड़ेगा बोल रहा था, तो मैंने हॉकी चुन लिया। क्योंकि बचपन से ही जब से मतलब होश में आया तो हॉकी बन के खेल रहा था, टूर्नामेंट भी वही चल रहा था, फुटबॉल भी खेलता है लेकिन हॉकी ही मतलब दिल से खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा, कहीं मन में जहन में ये बात आती है यार मैं फुटबॉल खेलता था मणिपुर से, यार क्या बढ़िया एक अलग फील होता है मणिपुर की टीम जब फुटबॉल खेलती है और फैन बेस होता है क्या, या फिर आपको लगता है नहीं यार हॉकी में भी मेरे पास उतने ही फैंस है तो मैं फुटबॉल खेलूँ या हॉकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे फैंस उतने ही हैं, कोटा जीत के फैंस उतने ही हैं। सेम ही है, फुटबॉल भी खेलता था शायद मैं इंडिया खेलता क्योंकि फुटबॉल भी ठीक ठाक खेलता था तो हाँ हॉकी में ये है ओलंपिक्स, फुटबॉल में नहीं है। ओके, तो नाम है और ओलंपिक्स खेलना कोई इजी बार भी नहीं, तो नहीं सोचता मैं मतलब कहीं भी फील्ड में आ गए तो वही वो चीज़ में मतलब वो होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और उस मतलब उसमें कामयाब होना चाहिए। कुड़जीत फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की हॉकी बहुत फास्ट है, बहुत पेसी है, तो इसमें फिटनेस मेंटेन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। मतलब आप इतना लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर जो बच्चे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को आप उनको फिटनेस के क्या टिप्स देंगे? फिटनेस तो होना ही होना है क्योंकि फिटनेस के बिना तो हॉकी में तो सब दबा के चले जाएगा। फिटनेस तो अपना है, कोच के ऊपर भी नहीं है और ट्रेनर के ऊपर भी नहीं, टाइम पे खाना टाइम पे सोना और अपना जो जो कमी है खुद भी कोच होना चाहिए क्योंकि खुद को पता रहता है कहाँ पे कमज़ोर है, जिम पे कमज़ोर है या स्टेमिना में, तो वही काम पे काम करते रहो धीरे धीरे इम्प्रूव फिटनेस पे आ जाएगा। तो अपने आप को भी मतलब एनालाइज कर होना चाहिए कहाँ पे कमज़ोर है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। कोटाची जब ऑफ सीज़न होता है हॉकी में क्या आपको डाइट चार्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाती है कि आप इसको फॉलो करिए, या फिर एक प्लेयर खुद वो डिसिप्लिन अपने में लाता है कि नहीं यार मुझे मतलब ये मेरा ग्रे एरिया है मेरा या जिम या मेरा ये मेरा ग्रे एरिया इस पर मैं वर्क करूँगा, आप कैसे देखते हैं, या फिर एक प्रोग्राम दी जाती है आपको? जैसे हम लोग का 10 days या 1 week ऑफ होता है तो ट्रेनर हम लोग का शेड्यूल देते हैं बिल्कुल, और GPS लगा के रनिंग करना, कोई काम भी नहीं करे तो यहाँ पे अपने लैपटॉप से पता चल जाए कौन रनिंग कर रहा है कि नहीं, तो सब एक तो वो है 1 हफ्ता या 10 दिन होगा तो ट्रेनर शेड्यूल देता है, नहीं तो लंबा वाला गैप होगा तो अपने हिसाब से जो कहाँ कमी है स्किल पे कमी है या फिटनेस पे जिम पे या स्टेमिना पे, तो वही अपने आप भी वही चीज़ पे काम करता रहता है, तो कैंप पे आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। कोटा जी आप विश्व कप खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या कमी है, मतलब एज ए प्लेयर कि आप वर्ल्ड के बेस्ट में गिने जाएंगे, इसमें आपको क्या लगता है मुझे कहाँ वर्क करना है, कोटाजीत को कहाँ वर्क करना है कि मैं वर्ल्ड में अगर कोई डिफेंडर की ज़रूरत पड़ी, या फिर भारतीय डिफेंडर्स में अगर बड़े नाम गिने जाते हैं परगट सिंह की बात होती है या फिर दिलीप तिर्की की बात होती है, आप उस लीग में हैं या फिर आपको लगता है क्या कुछ करना चाहिए मुझे इस लीग में लोग मुझे याद करें भारतीय हॉकी में? मैं पहले ज़्यादा डिफेंस ही ज़्यादा खेलता था क्योंकि अटैक पे कम ज़्यादा था, क्योंकि बचपन से ही मैं देखते आ रहा था तो हम इंडिया का टीम का डिफेंस थोड़ा वीक था, तो मेरे दिमाग में ये था मतलब कंट्री के लिए खेलेगा तो मैं काफ़ी गोल बचाएगा और डिफेंस पे रहेगा, तो वो माइंड पे था मेरा, लेकिन हॉकी चेंज होते जा रहे तो अटैकिंग भी अभी अभी हम लोग जो अभी खेल रहे हैं तो अटैकिंग हॉकी है तो अटैकिंग में भी ध्यान दे रहा है, वो चीज़ में इम्प्रूव होगा तो अच्छी बात है, काफ़ी अलग अलग सेट पीस पे अटैक का। हाँ, आप जिस राज्य से आते हैं मणिपुर वहाँ अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस एक सिखाया जाता है, तो ऐसे में आपको डिफेंडर जब बनते हैं और आप गांव में जाते हैं लोग पूछते नहीं आपसे क्या डिफेंड कर रहे हो यार तुम्हें तो आके खेलना चाहिए, मणिपुर के लोग आगे चढ़ के खेलते हैं? पहले मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था उसके बाद राइट और लेफ्ट फॉरवर्ड ही खेलता था, उसके बाद मैं लखनऊ साई में आया, उसके बाद मैं मिडफील्ड खेला, फिर वहाँ से खेलने के बाद इंडियन ऑयल पे स्टाइपेंड हो गया तो वहीं पे राइट हाफ लेफ्ट हाफ फुल बैक सभी खिलाया, तो धीरे धीरे करके फिर कैंप पे आया तो कैंप पे लेफ्ट हाफ साइड पे जगह मिला तो मैं वहीं पे खेला, तो हर जगह पे मैं खेल रहा था फॉरवर्ड डिफेंस कई भी जगह, तो जो जगह मिला वहीं पे मैं कैंप पे फिर वहीं पे ट्रायल दिया था तो वहीं पे हो। तो कोटा जी आपको लगता है कि आप एक यूटिलिटी प्लेयर है मतलब मैनेजर के लिए कि यार लेफ्ट में खेलना है तो कोटा जीत खेल सकता है, मिडफील्ड खेलना है तो कोटा जीत खेल सकता है, अगर फॉरवर्ड चाहिए तो भी कोटा जीत खेल सकता है, क्या
जिसे कहते हैं ना कोच का एक प्लेयर जो किसी भी समय कोच को ज़रूरत या फिर कोच को जो ज़रूरत है वो आप डिलीवर कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसे आप एक प्लेयर हैं भारतीय हॉकी में? अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे को मिडफील्ड भी खिलाया, डिफेंस भी खिलाया, और जैसे वर्ल्ड लीग फाइनल यहाँ भी हुआ था भुवनेश्वर में, उसमें भी मेरे को अटैकिंग मिडफील्ड खिलाया था, क्योंकि दो फोर्ड ऊपर रहते हैं और एक फोर्ड थोड़ा नीचे आके जो हम लोग का मिडफील्ड है, एक अटैकिंग मतलब अटैकिंग मिडफील्ड बोलते हैं, तो वो चीज़ खिला रहा था मेरे को, तो मेरे को दिक्कत नहीं है खिलाने में, क्योंकि लेकिन अपना पोजिशन खेलने में अलग ही मज़ा है, क्योंकि मैंने 7-8 साल से वही खेला है, तो लेफ्ट साइड तो वही खेलने में मज़ा आता है, लेकिन खिलाना है तो वो जो स्ट्रक्चर पे रहना और स्टिक टू प्लान के हिसाब से खेलना वो भी जरूरी है, हर जगह खेलना आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, खोटा लेफ्ट में खेलना एक अलग ही चैलेंज होता है, क्योंकि आपको स्टिक को बड़ा अलग तरीके से होल्ड करना होता है, यही नहीं आपका मूवमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है जब आप पे अटैक होता है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर यूरोपियन टीम्स राइट से अटैक करना प्रेफर करती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक लेफ्ट बैक होना कितना बड़ा चैलेंज है हॉकी के खेल में? लेफ्ट डिफेंडर खेलना मतलब बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी टीम राइट ब्लॉक करके लेफ्ट ही प्रेशर डालते, तो वही से निकालना मतलब मिडफील्ड के साथ वन टच करके खिलाना और लाइन पे बॉल खेलना, प्रेशर आते तो काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन उस चीज़ में भी हम लोग काम कर रहे हैं कैसे निकालने कैसे नहीं, तो काफ़ी साल से वही पे खेल रहा हूँ, तो दिमाग पे ये वही जगह पे गलती नहीं करना है, बस सिंपल सा खेलना है और वही प्रेशर से निकालना है बस। कोटा, अभी ये मुकाबला यहाँ भुवनेश्वर में हो रहा है, मणिपुर से ज़्यादा दूर नहीं कहूँगा अगर दिल्ली के बनस्पत, तो आपको लगता है कि कोटा के बहुत सारे फैंस या कोटा जीत के बहुत सारे फैंस इस मुकाबले को या फिर इस प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? वो तो पता नहीं कितने आएंगे कि नहीं, लेकिन जितना हम लोग इंडिया टीम के साथ खेल रहे हैं तो सभी इंडिया को ही मायने रखते हैं, ओके, क्योंकि टीम जीतता है तो सभी का नाम है और इंडिया का नाम है, तो वो फैंस फॉलो तो वो अपना अपना पसंद की बात है, तो मतलब सभी अपना इंडिया टीम को चेयर करने आएगा, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू कोटा जीत दूरदर्शन पर जुड़ने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो ये थे कोटा जीत सिंह, जो उम्मीद जता रहे हैं कि डिफेंस में बहुत कुछ किया है खिलाड़ियों ने, ताकि इस बार वो जो जिसे कहते हैं स्विच ऑफ वो खिलाड़ी नहीं होंगे और भारतीय रक्षा पंक्ति अपने टेस्ट में खरा उतरेगी। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।